नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज है 5 सितंबर और आज हम डिस्कस करेंगे 5 सितंबर 2018 की कुछ इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट्स। सो गाइस, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा, तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है आज का, हाल ही में भारत कितने अन्य देशों के साथ सुनामी मॉक ड्रिल में भाग ले रहा है। तो दोस्तों अभी बता दूँ यहाँ पर कि हाल ही में जो भारत है ये 23 अन्य देशों के साथ, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। तो 23 अन्य देशों के साथ सुनामी मॉक ड्रिल में यहाँ पर भाग ले रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये सुनामी मॉक ड्रिल में भाग ले रहा है, तो ये सुनामी की तत्परता को सामुदायिक स्तर पर बढ़ाने के लिए एक प्रमुख हिंद महासागरीय सुनामी मॉक ड्रिल, जिसका है नाम IO Wave 18। क्या है? IO Wave 18 इसका नाम है। इसमें यह है भाग ले रहा है, ठीक है। दोस्तों ये जो मॉक ड्रिल है, यानी कि जो IO Wave 18 जो मॉक ड्रिल है, इसका जो आयोजन है ये यूनेस्को के अंतर्गत सरकारी महासागरीय आयोग, यानी कि जिसको IOC बोलते हैं, इसने किया है, जिसने दिसंबर 2004 में सुनामी के बाद हिंद महासागर सुनामी चेतावनी एवं राहत प्रणाली IOTWMS की स्थापना का समन्वय किया है। यहाँ पर बता दूँ दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है तो वह है अभ्यास, जो इसका उद्देश्य है तो वह है सुनामी तत्परता में वृद्धि करना, प्रत्येक राज्य में प्रतिक्रिया क्षमताओं का मूल्यांकन करना और पूरे क्षेत्र में समन्वय में सुधार करना है। नेक्स्ट दोस्तों, जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है तो वह है, हाल ही में राष्ट्रीय आवास बैंक, यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, आप जानते हैं राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में आप परिचित होंगे, तो राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि NHB इसको फुल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक्स, ठीक है। तो इसने अभी हाल ही में किस राज्य को 200 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की है? तो दोस्तों यहां पर बता दूं कि इसने अभी हाल ही में केरल राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है, केरल को अभी 200 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सुविधा यहां पर प्रदान की है। और दोस्तों ये सुविधा यहां पर इसने किस लिए प्रदान की है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसने जो है बाढ़ प्रभावित राज्य, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि केरल इस समय बहुत ही बाढ़ प्रभावित राज्य है, तो इसके जो है राहत प्रदान करने के लिए ग्रामीण इलाकों में 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय और शहरी इलाकों में 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सहायता की घोषणा की है, ठीक है। दोस्तों ये जो है ये उन परिवारों को राहत प्रदान करेगा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में और 6 लाख रुपये शहरी क्षेत्रों में है, ठीक है। केरल के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक ऋण संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत आवास 1 अगस्त 2018 और 30 जून 2019 के बीच को इस सहायता के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है, हाल ही में केंद्र ने किस राज्य के रेलवे स्टेशन का नाम भगवान कृष्ण के नाम पर करने की मंजूरी दी है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अभी हाल ही में जो राज्य है झारखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, जो झारखंड राज्य है इसके रेलवे स्टेशन का नाम भगवान कृष्ण के नाम पर करने की यहाँ पर मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। तो पूरा मामला क्या है यहाँ पर जान लेते हैं कि जो गृह मंत्रालय है इसने गढ़वा जिले में, किस जिले में, झारखंड के जो गढ़वा जिला है इसमें एक रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भगवान कृष्ण के नाम पर करने की जो झारखंड सरकार के प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो झारखंड ने एक प्रस्ताव रखा था ऐसा, तो उसको यहाँ पर इसने मंजूरी दी है राज्य सरकार ने। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रस्ताव क्या दिया था कि रेलवे स्टेशन और नगर उटारी कस्बे का नाम बदलकर बंसीधर मंदिर की तर्ज पर बंसीधर नगर रखा जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बता दूँ दोस्तों कि जो राज्य सरकार है शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर का विकास उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन की तर्ज पर करना चाहती है, जिसकी वजह से ये राज्य सरकार यहाँ पर ऐसा करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा निकल कर आ रहा है तो वह है, हाल ही में किसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये एक नियुक्ति से क्वेश्चन आपका बनता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियुक्तियाँ आपकी पूछी ही जाती हैं हर एग्ज़ाम में। तो अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, क्या HAL ये शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो इसके भी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा R Madhavan, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों जो R Madhavan हैं, इन्होंने
टी सुवर्ण राजू की जगह यहाँ पर ली है। किसकी जगह ली है? जो टी सुवर्ण राजू हैं इनकी जगह आर माधवन ने ली है। इसके पहले टी सुवर्ण राजू जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स निदेशक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे, तो इनकी जगह जो है आर माधवन ने ली है। दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि जो आर माधवन हैं ये इससे पहले लखनऊ में HAL के उपकरण विभाग का एक कार्यकारी निदेशक के रूप में नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, माधवन ने एरोस्पेस विनिर्माण के लिए MSME विक्रेताओं का विकास करके मेक इन इंडिया है इस पहल में भी योगदान दिया है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। दोस्तों जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है यह राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय एरोस्पेस एवं रक्षा कंपनी है। इसका दोस्तों जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु में है। ठीक है, और ये भारतीय रक्षा मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन है। तो किसके अधीन है? ये भारतीय रक्षा मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन है। अगला दोस्तों जो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है तो वह है, हाल ही में एलिस्टेयर कुक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, ये किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों आप एलिस्टेयर कुक से बहुत अच्छे से परिचित होंगे, ये क्रिकेट प्लेयर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये इंग्लैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर एक आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ बता दूँ कि जो इंग्लैंड की ओर से टेस्ट क्रिकेट है इसमें सर्वाधिक रन बनाने वाले शीर्ष खिलाड़ी जो हैं एलिस्टेयर कुक, इनकी उम्र है 33 वर्षीय, इन्होंने केनिंगटन ओवल लंदन में 7 सितंबर 2018 में भारत के खिलाफ होने वाले 5वें टेस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की यहाँ पर घोषणा की है। तो दोस्तों जो 7 सितंबर 2018 को भारत के खिलाफ जो टेस्ट मैच खेला जाएगा 5वां टेस्ट मैच, उसके बाद इन्होंने संन्यास लेने की यहाँ पर घोषणा की है। दोस्तों इनके बारे में आपको ये बता दूँ कि ये इंग्लैंड के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और साथ ही साथ ये जो भारत के हैं ये मतलब पूरे वर्ल्ड के हैं ये छठे एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बता दूँ कि इन्होंने जो कुल रन है 12,254 रन 32 शतक के साथ टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले छठे खिलाड़ी हैं ये। तो दोस्तों ये टेस्ट क्रिकेट की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले पूरे विश्व के ये छठे खिलाड़ी हैं और इंग्लैंड के ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतने रन यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, ये जो है 12,000 टेस्ट रन दुनिया में छठे और इंग्लैंड के एकमात्र पूरे करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि ये बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 59 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड का नेतृत्व किया है। अगला और जो अंतिम आज का इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर दोस्तों आ रहा है, दोस्तों यहाँ पर मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कलेक्ट करता, रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता, मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ जो आपके एग्जाम के पर्पज़ से थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 6th क्वेश्चन हमारा है वह है, हाल ही में 2020 ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाली पहली भारतीय निशानेबाज जोड़ी कौन बनी? तो दोस्तों ये जो भारतीय निशानेबाज जोड़ी है तो ये है अंजुम मोदगिल और अपूर्वी चंदेला। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? अंजुम मोदगिल और अपूर्वी चंदेला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बता दूँ दोस्तों कि जो मोदगिल यानी कि ये 24 वर्षीय हैं और इन्होंने कुल 4 अंक हासिल करके दक्षिण कोरिया के चांगवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व चैंपियनशिप की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है। चंदेला ने इसी प्रतिस्पर्धा में 207 अंक हासिल करके चौथा स्थान भी प्राप्त किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।